वेलकम टू फोटोग्राफी फ्री कोर्स। ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे स्किप कर दो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि यही कोर्स अगर आप ऑनलाइन बाय करने जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे या फिर कहीं से भी, तो ये आपको 5,000, 10,000 या फिर 50,000 तक भी मिल सकता है, और यही सब चीजें बताएंगे आपको। तो मैं इस कोर्स में आपको फुल प्रूफ प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे हम जीरो से स्टार्ट करके, लगभग जीरो से स्टार्ट करके हम लखपति या फिर करोड़पति भी बन सकते हैं सिर्फ फोटो खींच के। तो इस कोर्स में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप एक एक पॉइंट को फोकस कीजिए। इस कोर्स को देखने के सिर्फ 3 या 4 महीने बाद ही आप 30 से 40 50 हज़ार तक कमा सकते हैं, और उसके बाद में 3 या 4 सालों में आप मिलियन या फिर करोड़ तक जा सकते हैं, अगर आप ठीक से इस प्लान को फॉलो करते हैं और मेहनत करते हैं तो। तो ये एक तरह का डिस्क्लेमर है, आपको ये कोर्स पूरा देखना है और हर एक पॉइंट को फॉलो करना है। और अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका जो फाइनल टारगेट या फिर बड़ा गोल है उसको अचीव करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको कुछ भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना है। इस कोर्स को देखने के बाद आप 50,000 से 1 लाख तक महीना कमा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कोर्स उनके लिए है जो अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी फोटोज क्लिक नहीं कर सकते तो आप अभी इस वीडियो को डिसकंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए नहीं होगा। आपको फोटोग्राफी सीखना है तो आप फोटोग्राफी का कोर्स कीजिए, जो जहाँ पे आपको फोटो कैसे क्लिक करना है अच्छी वो सिखाएंगे। मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक एक्शन प्लान सिखाने वाला हूँ कि फोटो से हम, अगर आप अच्छी फोटो खींच सकते हैं तो अमीर कैसे बन सकते हैं, या फिर उसको कैसे सेल करना है, उसका बिजनेस एक्सपांड कैसे करना है, ये पूरा एक्शन प्लान इस कोर्स में होने वाला है। और एक वजह है जिसकी वजह से आप ये कोर्स छोड़ सकते हैं, वो है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप मोबाइल से एक अच्छी फोटो खींच सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि सिर्फ कैमरा से या फिर DSLR से ही अच्छी फोटो क्लिक की जा सकती है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़िए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छी फोटो खींचने के लिए आपको जो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और अच्छी स्टोरी चाहिए वो जरूरी है, ना कि आपके पास कितने लाख का कैमरा है या फिर 5D 4D 6D कैमरा है, वो डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा होता तो ये जो सारी वेबसाइट है बड़ी बड़ी, जो कि आपसे स्टॉक फोटोज कलेक्ट करती है या फिर वो आपकी फोटो वहां पे बेचती है जो कि आपने खींची होती है मोबाइल से या फिर कैमरा से, तो वो क्या करते हैं, अगर मोबाइल से खींची हुई फोटोज अच्छी नहीं आती तो मोबाइल से खींची हुई फोटो वो बैन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, 4 मेगापिक्सल से ही वो फोटो लेना शुरू कर देते हैं। तो आप कम से कम 12 मेगापिक्सल से शुरू कीजिए, और जो आपकी 12 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन है उससे आप फोटो खींचिए, और आगे मैं आपको बताता ही हूँ। तो ये है पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये सोचते हैं कि स्मार्टफोन से फोटो अच्छी नहीं आती है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप एक स्मार्टफोन से बहुत अच्छी फोटो खींच सकते हैं। तो अब आपके पास 2 चीजें होंगी, एक तो आपके पास कम से कम एक 12 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन होगा, और दूसरी चीज आप एक अच्छी फोटो खींच सकते हैं ऐसा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके पास ये दोनों चीजें है तो ये कंटिन्यू कीजिए, तो आप यही से वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपके पास एक 12 मेगापिक्सल का फोन है और आप एक अच्छे फोटोग्राफर है या फिर अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो एक बात और दिमाग से निकाल दीजिए आप, कि आपने एक दो फोटो खींची और आप महीने के लाख रुपए कमाने लग गए, ये इतना आसान भी नहीं होता है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या है वो हम धीरे धीरे इस कोर्स में आगे जानने वाले हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की और प्लान की, ये प्लान पूरा कैसे काम करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको 5,000 फोटोज क्लिक करनी है जी। आपको इसको 1 या 2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आपको क्लिक करनी है पूरी 5,000 अच्छी फोटोज, जो आपकी सबसे बेहतरीन फोटोज होंगी। अब आपका सवाल ये होगा कि किस चीज की 5,000 फोटो खींचे, क्योंकि हम कहीं ट्रैवल तो कर सकते नहीं ज्यादा, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हेल्प होंगी इस वेबसाइट से, मतलब जो भी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे बैनर एड्स लगी होती है, वहां पे एक लड़की की फोटो होती है या फिर एक लड़के की फोटो होती है और वो बैनर एड्स पे लगाई होती है, तो वो फोटो भी उन्होंने कहीं से खरीदी हुई होती है। जैसे कि बड़े बड़े जो वेबसाइट्स है स्टॉक फोटोग्राफी की, वहां से वो खरीदते हैं और फिर उसमें उनका एडिट करके या फिर डायरेक्टली भी वो लगा देते हैं। तो ऐसे आपको वेबसाइट ढूंढनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये वेबसाइट ले लेता हूँ, और इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है इस लड़की की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लड़की की इस तरीके से फोटो जो है इस एड में इस्तेमाल की गई है। तो ऐसे ही आप आपकी फोटो खुद की खींच सकते हैं, अगर आप एक लड़की है तो आप अपने इस तरीके से फोटो खींच सकती है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप से आप अलग अलग वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग ब्लॉग पे जाइए, और वहां पे देखिए किस तरीके की फोटो जो है लोग यूज कर रहे हैं, उस तरीके से फोटो अगर आप खींचेंगे तो आपकी जो सेल होने की प्रोबेबिलिटी है फोटो की वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों को उस तरीके की फोटो चाहिए इसलिए वो वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप वैसी फोटो कम में दे देते हैं, या फिर अगर आपके हाथ में है तो आप कम प्राइस में रखते हैं या फिर जो भी वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिकना चालू हो जाएंगे। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फोटो कौन सी खींचना है, तो आप जो वेबसाइट है वहां से स्टडी करके ये फोटोज खींचिए। अगर आप एक लड़की है तो आप अपनी खुद की फोटो खींच सकती है, अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी खुद की फोटो खींच सकती है।
या फिर आप इसमें आपके दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को पॉपुलर होना है, तो वो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि उनको क्लियरली बता दीजिए कि मैं आपकी फोटो सेल करने वाला हूँ, ताकि अगर कल को किसी बैनर पे या फिर कहीं किसी वीडियो में या फिर किसी ब्लॉग में उनकी फोटो उनको दिख जाए तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस तरीके से आप उनको बता दीजिए और आप 5,000 अच्छी फोटोज क्लिक कर लीजिए। और इसके अलावा आप खींच सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो, जैसे कि वो भी उनको लगती है किसी ऑब्जेक्ट की फोटो, या फिर आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो चीजें अच्छे से है, जैसे कोई प्लांट उधर पाया जाता है अच्छा, तो उसकी फोटोज ले लीजिए, या फिर कोई बगीचा है, या फिर कोई गार्डन है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि लोगों को उस फोटोज की जरूरत होगी, आप उनका फोटो ले सकते हैं। और कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं गांव में रहता हूँ तो मैं क्या बैल की फोटो लूँ, क्योंकि दोस्तों अभी मुंबई में एक बैल की फोटो लेना उतना ही हार्ड हो जाता है जितना कि एक गांव में एक अच्छे बैल की फोटो लेना आसान हो जाता है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो हमारे पास जो चीजें हैं हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। तो जो भी चीजें आपके पास है, जो भी आजू बाजू में आप ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप वहां पे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और ध्यान रहे, मैं 5,000 सबसे बेस्ट फोटोज की बात कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है उसके लिए 20,000 फोटोज क्लिक करने पड़े, या फिर 25 या 30 भी। तो आप ये फोटो सब क्लिक कीजिए और उसमें से 5,000 बेस्ट फोटोज निकालिए, तब बात बनेगी। तो अब आपके पास एक या 2 महीने में 5,000 बेस्ट फोटोज आ चुकी है। तो अब टाइम है पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4, अब आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन चुके हैं, क्योंकि आपने 25-30 हजार फोटोज खींच डाली है और 5,000 उसमें से आपकी आपके पास बेस्ट फोटोज आ चुकी है। तो आप एक कम से कम एंट्री लेवल फोटोग्राफर तो बन ही चुके होंगे। तो अब बारी आती है उन फोटोज को एडिट करने की। तो एडिटिंग में आपको कुछ एडवांस नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, आपको बस लाइटिंग कंडीशन और कलर इन्हांसमेंट, ये 2-3 चीजें सीखनी है और खुद से उसको एडिट करना है। या फिर आपका कोई दोस्त होगा आपकी हेल्प करना चाहेगा तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में या फिर फ्री में। ज्यादा पैसों में ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमें खुद ही एडिटिंग आनी चाहिए कम से कम बेसिक। तो बेसिक एडिटिंग सीखने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, कुछ वीडियोस है जो यूट्यूब पे बेस्ट है, जो मोबाइल से एडिटिंग सिखाते हैं या फिर कंप्यूटर से भी एडिटिंग सिखाते हैं, उनकी लिंक मैं आपको जो कमेंट सेक्शन है वहां पे लिंक कर दूंगा नीचे, तो वहां से आप वहां पे पिन कर दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो वहां से आपको बेसिक एडिटिंग आ जाएगी। और आपको अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, इस बिजनेस में आगे जाना है, मिलीनियर बनना है, तो आपको एडिटिंग आनी ही चाहिए। तो आप उसे धीरे धीरे सीखते रहिए और शुरुआत में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको एडिटिंग सीखना ही है। तो अब आपके पास 5,000 बेहतरीन फोटोज है जो आपने क्लिक की हुई है और आपने उनको थोड़ा बहुत एडिट भी कर लिया है। अब बारी आती है इनको बेचने की। तो इनको बेचने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली किसी को बेच सकते हैं, किसी फोटोग्राफर को। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई आपको ऐसा फोटोग्राफर मिलेगा जो आपसे फोटो खरीद लेगा, लेकिन अगर मिलता है तो आप कम से कम 50,000 रुपीज में आपकी पूरी 5,000 फोटोज जो है वो बेच सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा में भी। लेकिन इससे एक फायदा होगा और एक नुकसान। एक नुकसान ऐसा होगा कि आपके जो पूरे राइट्स है आपके फोटो के, वो उसके पास चले जाएंगे। लेकिन इट्स ओके, हमने अभी स्टार्ट किया है और बदले में हमें कम से कम 50,000 एक्सपेक्टेड है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 50,000 से कम में आपको नहीं बेचना है, अगर 50,000 कोई देता है तो आप बेच दीजिए, और 50,000 में आपका एक एंट्री लेवल DSLR आ जाएगा। तो ये उसका एक पॉजिटिव साइड है। निगेटिव ये है कि आपने आपके जो 5,000 फोटोज थे उसके राइट उसको दे दिए, और पॉजिटिव ये है कि आपके पास अब DSLR आ गया, तो हम बहुत ही मतलब पुराने जो 5,000 फोटोज थे उससे भी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस हम जब करते हैं तो हमें लगातार प्लान और स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। बिजनेस ऐसा नहीं होता है, बिजनेस ऐसा ऐसा होता है। तो ये मैं आपको उसी तरीके से सिखा रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो ये करना है, ऐसा हुआ तो वो करना है। तो अब आपके पास या तो 50,000 रुपये या फिर DSLR है, या फिर आपके पास है 5,000 फोटोज जिनके राइट्स अभी भी आपके पास है। दोनों केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 5 में। तो पॉइंट नंबर 5, अब आपके पास या तो एक DSLR है या फिर आपके पास 5,000 अच्छी खींची हुई फोटोज है। तो जिन्होंने DSLR ले लिया है और फोटोज को बेच दिया है, उन्होंने अभी फिर से 5,000 फोटोज को कलेक्ट करना है जो कि वो खींचेंगे DSLR से। इसमें आपको DSLR थोड़ा सीखना भी पड़ सकता है, तो आप उसको यूट्यूब पे सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज है। और हाँ, ये सब करते वक्त आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, और हमेशा फोटो निकालते वक्त इसको दिमाग में रखना है कि आपकी आज की खींची हुई फोटो आपने पहली जो फोटो खींची है मतलब कल या फिर 1 घंटा पहले, उससे बेहतर होनी चाहिए। तो बेटर देन बिफोर, ये स्ट्रेटजी आप दिमाग में रखिए कि मेरी हर एक अगली फोटो पिछली फोटो से बेहतर होंगी। तो ऐसा अगर आप एक सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो कुछ हजार फोटोज, कुछ लाख फोटोज जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप बहुत ही बेहतर फोटोग्राफर बन जाएंगे। तो ये एक रूल मैं आपको फोटोग्राफी का बताता हूँ। हमारा एक कोर्स फोटोग्राफी के बारे में नहीं है, मैं आपको फोटोग्राफी नहीं सिखा रहा हूँ, फोटोग्राफी को कैसे सेल करते हो, बिजनेस कैसे बनाते हैं, मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। फोटोग्राफी का मेरा ये नहीं है, मैं इसमें स्पेशलिटी नहीं रखता हूँ।
तो फोटोग्राफी आप और किसी से सीख सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फोटो को बेच के अमीर कैसे बने। तो ये चीज है, पिछली फोटोज में जो मिस्टेक हुई है वो आपके एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए कि ये मिस्टेक हुई थी, इस एंगल से लेता तो और अच्छी आ सकती थी। तो इस तरीके से आप स्टडी कीजिए आपके फोटोज को। देखिए, अगर कोई इंजीनियर बनता है 5 साल लगा के, या फिर डॉक्टर बनता है 7 साल लगा के, तो भी उनको मिलीनियर बनने में, इंजीनियर तो लगभग बनती ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी मिलीनियर बनने में 10 या 12 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में आप एक सिर्फ फोटोग्राफी फोटो सेल करके 3 या 4 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा। तो स्टडी से भागिए मत, आप स्टडी कीजिए कि आपकी पिछली फोटो में क्या मिस्टेक हुई थी और अभी आपको उसमें क्या बेटर करना है। लाइटिंग कंडीशन, एपर्चर, जो भी चीजें होती है वो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, आपको उस खुद से सीखना है। मैं आपको फोटो सेल करके अमीर कैसे बनना है ये सिखा रहा हूँ। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक लैपटॉप की, या एक डेस्कटॉप की, या पीसी की। तो आप ये काम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही कीजिए, क्योंकि ये काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और आपको खुद से करना होगा। इन जो वेबसाइट हमें सर्च करनी है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, अगर नहीं देता हूं तो आपको ये काम खुद से ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप किसी कैफे में जाइए, या फिर आपके किसी दोस्त के पास जाइए, या फिर आपके पास अगर पीसी है तो बहुत ही बढ़िया, आप उसमें सर्च कीजिए टॉप 15 वेबसाइट जो स्टॉक फोटोग्राफी बेचती है और कंट्रीब्यूटर्स को अलाउड करती है सबको बेचने के लिए। तो आप ऐसी 15 वेबसाइट ढूंढिए, इसमें आपको 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो 15 वेबसाइट टॉप 15 वेबसाइट होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो आपको ढूंढनी है 15 ऐसी वेबसाइट जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज्यादा सर्च में भी आती है। तो ये 15 वेबसाइट जो फोटो सेल करती है, स्टॉक फोटोज को सेल करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और हमें सिर्फ 15 ही वेबसाइट को फॉलो करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, सभी इधर का उधर सब मिक्स हो जाता है। तो ऐसे मत कीजिए। और वेबसाइट को सिलेक्ट करते वक्त आप रिवेन्यू स्ट्रक्चर देखिए उसका, कि वो कितना परसेंट आपको दे रहे हैं, कितना परसेंट वो रख रहे हैं, ये देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लीजिए कि कहीं वो आपसे पूरे राइट्स तो नहीं ले रहे। पूरे राइट्स अगर ले रहे हैं तो आप उन वेबसाइट पे आपके फोटोज मत डालिए, क्योंकि हम हर वेबसाइट पे हमारा फोटो डालना चाहते हैं। इस तरीके से आपको ये रिसर्च करने में 2 या 3 दिन लगेंगे। कोर्स के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर देखते हो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप कभी भी इसके नीचे कमेंट डाल के रखिए, मैं विद इन वीक आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, या फिर वहां पे रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं जवाब दे दूंगा। इन वेबसाइट्स को सिलेक्ट करते वक्त हमें 3 चीजें चेक करनी है। एक तो उनकी रैंकिंग कैसी है वर्ल्ड वाइड, उनकी रैंकिंग जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात, पॉलिसीज उनकी क्या है, कि कुछ ऐसी पॉलिसीज तो नहीं है कि हमें ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि आपने हमको फोटोज दे दिए या अब आप दूसरे पे दूसरे को नहीं दे सकते, दूसरे वेबसाइट को नहीं दे सकते, ये चीजें। और तीसरा आता है रिवेन्यू मॉडल, तो रिवेन्यू कितना परसेंट आपको दे रहे हैं, कितना परसेंट वो रख रहे हैं। तो ये चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगी और फिर आप 15 वेबसाइट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपके पास है दुनिया की 15 ऐसी वेबसाइट जो सबसे ज्यादा स्टॉक फुटेज सेल करती है और वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आती है। तो अब बारी आती है पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि अब आपको 1 बाय 1 करके सभी जो फोटोज है उनमें से, जो हमारे पास 5,000 फोटोज है उनमें से 10-15 बेस्ट फोटोज निकालनी है, जो कि आपको इस वेबसाइट्स पर 10 से 15 फोटोज डेमो के लिए डालनी पड़ती है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए। वो टेस्ट करते हैं कि आपकी फोटोज अच्छी है या नहीं। तो आप उन 5,000 फोटोज में से 10 या 15 फोटोज और निकालिए जो सबसे बेस्ट है और उन्हें रिव्यू के लिए डाल दीजिए। और अब वो रिव्यू करेंगे, इसमें 1 हफ्ते का समय लगता है। उसके बाद यहाँ पर 2 चीजें होंगी, या तो आपकी फोटोज एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो वहां पे वो रीजन देंगे आपको मेल में, या फिर उनका जो डैशबोर्ड होता है वहां पे आपको दिखेगा कि आपकी फोटोज किस वजह से रिजेक्ट की गई है। तो अगर आपकी फोटोज कुछ वजह से रिजेक्ट हो गई है तो आप वहां से, वहां पे पढ़ी है कि किस वजह से रिजेक्ट की गई है। तो जिस भी वजह से आपकी फोटोज रिजेक्ट हो चुकी है, आप वही वजह वाली फोटो बाद में अपलोड मत कीजिए, आप उनको छोड़ के बाकी जो आपकी फोटोज है उन्हें अपलोड कर दीजिए। तो ऐसे करते करते आपको वही फोटोज अपलोड करना है बराबर जो उनको चाहिए, ना कि जो आपको पसंद है, आपको वैसी फोटोज अपलोड करना है जो उनको चाहिए, वेबसाइट वालों को या फिर जो खरीदने वाले हैं उनको। ये बात भी याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 5,000 में से आपको जो उनको चाहिए वैसी फोटो हर एक साइट पर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये काम होने के बाद आपका आधा काम खत्म हो जाता है। तो अब तक आपने एक जर्नी स्टार्ट की और आप उसके सेंटर में पहुंच चुके हैं, यानी कि आधे में पहुंच चुके हैं। आपने फोटोज निकाली, फिर एडिट की और फिर उन्हें रिव्यू किया, मतलब कि अपलोड करके साइट पे, और फिर वो एक्सेप्ट हुई और बाद में आपने आपकी जो सारी फोटोज थी उन्हें अपलोड कर दिया इन सारे पूरे 15 साइट्स पर।
यहाँ पे आपका जो आधा काम है वो खत्म हो गया है, लेकिन ये आराम का वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है और हमारी जो इनकम है वो लाखों में करोड़ों में लेके जानी है, तो हम यहाँ पे आराम नहीं कर सकते। आपको मैं एक काम और देता हूँ, आप क्या कीजिए, आपके यहाँ पे जो अगर आप DSLR वाले जो है जिन्होंने 50,000 में फोटोज बेच के DSLR ले लिया है, वो क्या कर सकते हैं, वो उनके DSLR से अपने जो लोकल एरिया में है वहां पे फोटोज खींच के वहां से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपके यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स है वो कुछ फोटोज क्लिक करने के 500 या 1,000 रुपए या फिर 400 रुपए ऐसे लेते हैं, जो भी कुछ लेते होंगे आपके एरिया के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। तो आपके यहाँ पे अगर वो 500 रुपए लेते हैं फोटोज क्लिक करने के, 10 फोटो निकालने के 500 रुपए DSLR से, तो आप 200 रुपए में उनको 10 फोटो निकाल के दे दीजिए, आप इससे आपको 200 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो आप कम में देंगे तो बाकी सारे जो बच्चे हैं जिनको इंस्टाग्राम पर डालने के लिए फोटोज चाहिए वो सब आपके पास आ जाएंगे। इसकी मार्केटिंग आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप वीडियो देख लीजिए कि कैसे आप मार्केट इसको कर सकते हैं, तो एक ही दिन में सबको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कि भाई तो आप 200 रुपए में 10 फोटो निकाल के दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो इससे आपकी कुछ इनकम हो जाएंगी। और उसी इनकम को साथ में लेकर ये काम सिर्फ आपको सैटरडे संडे 2 ही दिन करना है, बाकी 5 दिन हम सिर्फ फोटोज क्लिक करेंगे जो कि हमारा मेन काम है। तो बाकी 5 दिन हम हर रोज 500 फोटोज क्लिक करेंगे, 500 फोटोज का टारगेट लेके चलते हैं, 500 हम अच्छी से अच्छी फोटोज क्लिक करेंगे और सैटरडे संडे को ये काम करेंगे 200 रुपए में। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 200 रुपए बोल रहा हूँ, आप आपके एरिया के हिसाब से पैसे लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आपके यहाँ पे अगर फोटोग्राफर 1,000 रुपए लेते हैं तो आप सीधे आधा ही लीजिए उसका। उससे क्या होगा, आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएंगी फोटोज की, मतलब कि कस्टमर की, तो क्वांटिटी से आप उतना ही कमा लेंगे और आपकी फोटो खींचने की प्रैक्टिस भी उसमें अच्छी हो जाएंगी और आपके कॉन्टैक्ट भी बढ़ जाएंगे। आपको हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग उनकी फोटोज सेल करने के लिए अलो कर दे, तो आप वो फोटोज भी यूज कर सकते हैं, आप उनसे कुछ एग्रीमेंट कर लीजिए और वो फोटोज आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शनल काम हो सकता है। इसके अलावा हम जो 5 दिन है उसमें हर रोज 500-500 फोटोज क्लिक करेंगे, यानी कि महीने की हम लगभग मान लो अगर काट पीट के 500 में से हर रोज 500 का निकालते हैं तो पूरे महीने की फोटोज में से 1,000-1,500 फोटोज भी निकाल लेते हैं बेहतरीन, जो कि एक्सेप्ट हो जाती है इन सारे साइट्स पे, तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा और वहां पे सब अच्छी फोटोज आती जाएंगी। तो अगर आप कंटिन्यू वहां पे फोटोज अपलोड करते जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है स्टैंड आउट करता है। और उसके साथ साथ जो हम स्टॉक फोटोग्राफी के लिए फोटोशूट करने वाले हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाना जरूरी है, तो उनके लिए हम रूल्स बनाते हैं जिससे कि हमारे जो फोटोज है वो बेटर देन बिफोर हो सके, पहले से दूसरी फोटो अच्छी ही आए, इसके लिए हम रूल्स बनाते हैं पॉइंट नंबर 7 में। तो पॉइंट नंबर 7 में रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें रिसर्च करना है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में या 2 महीने में 1 महीने में कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, जो भी फेस्टिवल आने वाला हो, जैसे कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो उस हिसाब से हम फोटोज क्लिक करेंगे और उन्हें अपलोड करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये जब फेस्टिवल्स आते हैं जो भी हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, तो वो फेस्टिवल्स की जो इमेजेस है वो सभी जो बिजनेस करते हैं उनको एडवर्टाइज करने के लिए वो लगती है, तो वो सर्च करते हैं उन साइट्स पर। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो इमेजेस रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा रहेंगी तो चांसेस है कि आपकी इमेजेस सर्च में जल्दी आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर भी कई बार देखा ऐसा गया है कि जैसे यूट्यूब पर वीडियोस वायरल होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे काम करते तो जानते होंगे, तो या यूट्यूब पर जैसे वीडियोस वायरल होते हैं वहां यहाँ पे इमेजेस भी काफी वायरल होती है, मतलब कि कुछ इमेज ज्यादा रैपिडली बिकना शुरू हो जाती है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, सेम ऐसा ही अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी होता है। इसके बारे में अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बारे में भी मैं इस सीरीज में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इमेजेस सेल होना भी वायरल होता है, यानी कि एक इमेज आपकी सेल होना शुरू हो गई तो उसको रैपिडली सेल महीना 2 महीने 6 महीने आती जाती है, तो यहाँ से अपनी इनकम जो है अच्छी खासी होती है। तो अगर हम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर जो नई चीज आने वाली है, जैसे कि अभी 26 जनवरी आने वाली है और कोई ऐसा ही कोई दूसरा फेस्टिवल आने वाला है, उसके बारे में अगर हम उससे 1 महीना पहले 2 महीने पहले 15 दिन पहले वो इमेजेस अपलोड करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, तो इमेज सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है रूल नंबर 1 कि हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे और जो फेस्टिवल्स है उनको फॉलो करते हुए ही अपने इमेजेस क्लिक करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आती है बात R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम है, तो आप उनकी जो ऑलरेडी की हुई रिसर्च है उसको फॉलो कीजिए, मतलब कि जो भी फोटोज इमेजेस जो एडवर्टाइजर कैंपेन में यूज किए जा रहे हैं, यानी कि कोई वेबसाइट है वहां पे कौन सी किस तरीके से फोटोज यूज किए हैं एडवर्टाइज के लिए, जो पॉपुलर वेबसाइट्स है तो वहां पे आप जाके चेक कीजिए कि पोस्टर एड्स में किस तरीके की फोटोज वो यूज कर रहे हैं, तो जो भी जहां भी इमेजेस एड्स आपको दिखते हैं वहां पे आप जा जाके ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से एड्स किस तरीके की इमेजेस वो यूज कर रहे हैं, तो आप ठीक उसी तरीके से इमेज जो है आपकी क्लिक करना शुरू कर दीजिए ताकि उनको जो इमेज चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो में उनको मिल सके।
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या चाहिए इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से हैक कर रहे हैं हम कि उनको क्या चाहिए। मतलब उनको फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल की फोटो चाहिए जो कि रखा हुआ है एक टेबल पर, उनको ऐसी फोटो चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं तो ऐसी फोटोज अगर आपको ज्यादा दिख रही है, मतलब कि एक ने लगाई, दो ने लगाई, तीन ने लगाई, तो आप उसी तरीके की फोटोज और वैरायटीज में पोस्ट क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, तो उस तरीके से आपकी जो फोटो है वो सेल होने के चांसेस जो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको उन्हें वो देना है जो उनको चाहिए, ना कि जो आप बेचना चाहते हो। तो इस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो में और फोटो क्लिकिंग के सेंस में बदलाव करते रहिए। पॉइंट नंबर 7 में रूल नंबर 3 ये है कि हमें एडवर्टाइजर के तरह सोचना है। एडवर्टाइजर मतलब जो भी बैनर एड या पोस्टर एड बनाते हैं उनकी तरह हमें सोचना है कि उनको, अगर हम उनकी तरह सोचने लग गए तो हम जो इमेजेस उनको चाहिए वो इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं और इसमें आपको काफी आसानी होगी। तो आप अगर ये सब यहाँ तक जो मैंने बताया वो करने लग गए हैं तो आप इस फील्ड में थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अब बारी आती है पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8, तो अभी आप जो फोटोज अपलोड कर रहे हैं सभी वेबसाइट्स पे, फोटो क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद भी वो फोटोज आपके पास ही पड़े हुए हैं, तो आप इसमें एक और साइड बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला वाला बोला था सैटरडे संडे वाला। तो ये साइड में आप एक काम कर सकते हैं, आप एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो उसी के नाम से या फिर जो भी नाम आप देना चाहें उस नाम से, और उस पेज पर वो फोटोज है वो अपलोड करते रहिए डेली। आपको एक हैबिट बनाना है कि डेली 3 या 5 फोटोज ऐसे कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि जैसे आप इनकंसिस्टेंट होते हैं इंस्टाग्राम आपकी रैंक डाउन कर देता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट कर सकते हैं तो ये काम आप जरूर कीजिए, तो कुछ महीनों बाद आपको वहां से भी एक इनकम शुरू हो सकती है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आपके उन सभी साइट्स पर काफी ज्यादा फोटोज बढ़ जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा, और शुरुआती दिनों में ये सारी वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट कंट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करती है, तो आपको भी वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और आपकी इमेजेस सेल होना चालू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अभी हमको फिर आराम नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमारी रैंक जो है वो डाउन भी हो सकती है या फिर की जा सकती है अगर सेल्स जनरेट नहीं हुई तो। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे टिके कैसे रहना है। जैसे कि आपकी इमेजेस कुछ सेल्स होना शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कुछ वीडियोस वायरल हो जाती है, तो वहां पर भी आपकी कुछ इमेजेस वायरल होंगी और आपको पैसा भी आएगा, इमेजेस सेल होने लगेंगी, आपको पैसा आएगा जो कि आता है सीधे आपके बैंक अकाउंट में या फिर पेपल में। तो वो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे, हम उस पैसों से एक DSLR खरीद लेंगे। कुछ लोगों ने पहले ही DSLR खरीद लिया होगा, लेकिन अब जो लोग बाकी है वो अब DSLR खरीद लेंगे। और हाँ, मैं बार बार हम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी इस जर्नी में मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये फील कर सकूँ, इसलिए मैं हम बोल रहा हूँ ताकि हम सबका ये काम हो सके। तो वहां से इनकम शुरू होने के बाद आपको लेना है एक DSLR, और जिनके पास ऑलरेडी DSLR पहले लिया हुआ है अपने फोटोज को बेच के, उन्होंने हायर करना है कुछ फोटोग्राफर्स को ताकि वो हमारे लिए कुछ फोटोज क्लिक कर सके। हमें उन्हें हायर करना है पर फोटोज के हिसाब से, यानी कि मान लो हमने पिछले महीने में 10,000 का इनकम कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, उनमें से 5,000 रुपए लेंगे और उन फोटोग्राफर्स को बोलेंगे कि अगर मैं आपको ये 5,000 रुपए देता हूँ तो आप मुझे इस तरह की कितनी इमेजेस दे सकते हैं और अच्छी इमेजेस दे सकते हैं, तो आप ये ऑफर सारे फोटोग्राफर्स के पास रख सकते हैं जो भी आपके एरिया में है, और वो बोलेंगे फिर कि मैं 500 दूंगा, मैं 250 दूंगा, तो जो आपको 5,000 में ज्यादा से ज्यादा अच्छी इमेजेस देगा आप उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए और उससे फोटोज खिंचवा लीजिए, और जो भी आपका 50% अमाउंट बचा है, मैं 10,000 फॉर एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, अगर आपको यही करना है, अगर आप 1 लाख भी कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, तो आपको सेम करना है, आपको 50% अमाउंट सेव करना है और 50% में आपको फिर से फोटोग्राफर्स हायर करने हैं और ज्यादा फोटोज अपलोड करने हैं उन्हीं वेबसाइट्स पर इन फोटोग्राफर्स से खींच के। तो जो 50% जो बचा हुआ है उन्हें आप इमरजेंसी है तो थोड़ा बहुत यूज भी कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि आप उन्हें सेव कीजिए ताकि हम उस पर आगे कुछ बड़ा एक्शन ले सके। तो कुछ बड़ा कैसे करना है इस कोर्स में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो आपके पास एक DSLR है, और अभी आप सिर्फ फोटो बेच ही नहीं रहे, आप फोटो खरीदने के लायक भी हो रहे हैं, आप बाकी फोटोग्राफर से फोटो खरीद के आपके पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। तो अब बारी आती है पॉइंट नंबर 9 की। तो अब हमें एक छोटा सा ऑफिस खोलना है, आप किसी भी मार्केट में कोने वाली दुकान ले लीजिए या फिर आपके घर में कोई रूम होगी तो वहां पे भी आप एक ऑफिस सेट कर सकते हैं। कोने वाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी मार्केट में कोने वाली जो दुकान होती है वो सबसे सस्ती मिल जाती है, और हमें मेन जगह की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑफिस खोलना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें सेटअप करनी होगी, जैसे कि ग्रीन पर्दा वगैरह, व्हाइट पर्दा, आप जो लगाना चाहिए 2-4 चीजें वो लगा सकते हैं, ज्यादा कुछ खर्चा आपको है नहीं, विद इन 10,000 आपका ये ऑफिस सेटअप हो जाएगा। तो ये सेटअप होने के बाद अब आप ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है शादी के या फिर किसी भी फेस्टिवल के। दोस्तों शादी के ऑर्डर्स में जो आप फोटोग्राफर्स आते हैं वो 50,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ तक भी चार्ज करते हैं और उससे ज्यादा भी। अगर आप उस लेवल के बन जाते हैं तो आपको एक शादी के 50 लाख या फिर 1 करोड़ का भी जो बजट है वो मिल सकता है।
तो ये काम भी आपको साइड बाय साइड शुरू करना है। भले ही आप इसमें फोटो खींचने ना जाए, आप सिर्फ ऑफिस संभालिए और आपका जो स्टॉक फोटोग्राफी का है वो संभालिए। ये आप लोगों को हायर करके भी कर सकते हैं। इसमें लोग सिर्फ आपके ऑर्डर लेने को आते हैं। जैसे कि आपने कोई काम 25 लाख में ले लिया और आपने 5 फोटोग्राफर्स को बता दिया कि आपको ये सब शादी जो है वो शूट करना है इस तरीके से, आप जो कैमरे हैं उनका इस्तेमाल करके, तो कैमरे भी वही लेके आएंगे और वही पूरी शादी शूट कर लेंगे। आपको 5 लाख में से 2.5 लाख उनको देना है और 2.5 लाख आपका प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कम भी लेते फिर भी आपका प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो बच रहा है। तो इस तरीके से आप फोटोग्राफी करते करते 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक सिर्फ 4 या 5 महीने ही आपको होंगे आप यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर आप पूरे रूल्स ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ 4 महीने के बाद ही आप 50,000 से 1 लाख तक कमाने के लायक हो जाएंगे। और हाँ, हमें स्टॉक फोटोग्राफी करने के लिए कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है कि इसी टाइम पे जाना है और फोटोज क्लिक करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। तो जिस दिन के हमें ऑर्डर मिलेंगे, जिस 2 दिन की 1 दिन की, तो उस दिन हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे, स्टॉक फोटोग्राफी हम उस दिन शूट कर लेंगे और दूसरे दिन आके हमारा स्टॉक फोटोग्राफी का शूट करेंगे। या फिर हम इस ऑर्डर्स को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ऑर्डर दिया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दूंगा कि आप ये शादी शूट कर लो और मैं उसमें से 20% या 10% कमीशन ले लूंगा। तो आप ये कमीशन बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसे आप फोटोग्राफर्स हायर करके कीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और क्वालिटी कंट्रोल भी, आपका मार्केट में नाम बना रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं डायरेक्टली ऑर्डर, तो वो ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप आपके कुछ फोटोग्राफर्स की टीम बना लेते हैं तो आपका वो काम जो है वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो और बाद में अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको और ज्यादा ऑर्डर्स वहां से भी आते रहेंगे। तो अगर आपको सिर्फ 50,000 या 1 लाख ही महीने का कमाना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी काम को आप मेंटेन करते रहिए। तो जिनको सिर्फ 50,000 या 1 लाख कमाना है वो यहाँ पर रुक सकते हैं और एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपकी जो काम की क्वालिटी है उसे बढ़ाते रहना है दिन पर दिन, और आपके जो कैमराज है उन्हें अपडेट करते रहना है, और स्टॉक फोटोग्राफी जो है आप उनको भी अपलोड करते रहिए अच्छे से अच्छे फोटो। तो आपकी जो इनकम है स्टेबल बनी रहेंगी। और आपको अगर आगे अभी मिलियनेयर नहीं बनना है, करोड़पति नहीं बनना है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो अब बारी आती है फोटो से करोड़पति बनने की। तो अब बारी आ चुकी है पॉइंट नंबर 10 की। जिनको ऐसा लगता है कि 2-3 महीने 6 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, वो अभी इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, अब तक हमने क्या क्या कमा चुके हैं या फिर हमारे पास क्या क्या अब तक जमा हो चुका है। तो अब हमारे पास है एक DSLR या फिर 2 DSLR, किसी ने अगर अपग्रेड कर लिया है यहाँ तक तो 1 या 2 DSLR। और हमारी जो इनकम है वो 50,000 से 60,000 स्टॉक फोटोग्राफी की हो सकती है, या फिर अगर हम इवेंट्स वगैरह भी अभी कर रहे हैं तो हम 1 लाख महीने की इनकम मोटा मोटा मान सकते हैं। किसी की ज्यादा भी हो सकती है, किसी की थोड़ी कम भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अभी हमारे पास एक स्टेबल इनकम है और हमारे पास कुछ DSLR है और शायद हमने कुछ बंदे भी 1 या 2 हायर किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, और एक बंदा हायर करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया एडिटिंग करता हो। तो अब यहाँ से हम फोटोज खींचना थोड़ा कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, हम फोटो नहीं खींचेंगे। क्योंकि हमें चाहिए स्पीड और हमें इस बिजनेस को ऑटोमेशन में लाना है, तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए हमें चाहिए होंगे बंदे। तो बेस्ट बंदे कैसे ढूंढते हैं, इसके बारे में आप YouTube पे वीडियो दे सकते हैं, या फिर मैं भी किसी दिन इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप किसी बेहतरीन इंसान को, बेहतरीन आदमी को हायर कैसे कर सकते हैं। तो हमें हायर करना है एक एडिटर जो कि हमारे सारे फोटोज जो है वो बहुत ही अच्छे एडिट करे, अब तक के हम जो करते थे उससे बढ़िया। तो वो हमें कुछ गाइड देगा कि खींचते वक्त भी हमारे कुछ फोटोज जो है वो किस तरीके से खींचे जाने चाहिए, तो वो भी हमें हेल्प मिलेगी। तो आप इसमें ध्यान रखिए, थोड़ा सीनियर बंदा अगर आप हायर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, जो हमने 2 बंदे काम पे रखे थे, वो खींचेंगे फोटो, ये बंदा करेगा एडिट और आप सिर्फ अपलोड करेंगे। यानी कि आप सिर्फ ऑफिस संभालेंगे और आपका जो बिजनेस है इवेंट में आप बंदे भेजने का, इवेंट में आपको आपके बंदे नहीं भेजने, आप बाहर से भी भेज सकते हैं या फिर किसी 1-2 दिन आपके भी भेज सकते हैं। तो ये आपको मैनेज करना है। लेकिन ये मैनेज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका किसी भी जो आपके बिजनेस है, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पेज है या फिर आपने अगर स्टूडेंट्स के जो मतलब जो भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनके फोटोज खींचना, जैसे कि हमने चालू किया था 200 में हम 10 फोटोज दे रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो सारे बिजनेसेस है आपके, आपको इक्वली सब पर ध्यान देना है ताकि कोई भी वीक ना हो और आपका नाम खराब ना हो। तो वो भी चालू रखना है, इवेंट्स का भी चालू रखना है, अपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था वहां पे फोटोज अपलोड करना भी आपका डेली चालू होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह से आपकी इनकम जो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मैनेज करके आपको आपका ऑफिस संभालना है और इन सब लोगों को मैनेज करना है। तो ये लोग फोटो खींचेंगे,
वो बंदा एडिट करेगा और आप अपलोड करेंगे, तो यहाँ से हमारे बिजनेस में आ गया ऑटोमेशन। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि जो हमने बंदे हायर किए हुए हैं उनका काम रहेगा कि रोज इतनी फोटो खींचना है, अपने सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की खींचो, तो वो फोटो खींच के आपको ला देंगे, वो एडिट करके देगा और आप सिर्फ अपलोड करेंगे। तो ये लगभग एक मोटा मोटा ऑटोमेशन आपके बिजनेस में आ चुका है, क्योंकि आपको कहीं ज्यादा बाहर जाने की आप जरूरत नहीं, आप फोकस कर सकते हैं आपके बिजनेस पे, ना कि आप काम पे। काम पे आपको फोकस करने की आप जरूरत नहीं है। और हाँ, उसी पैसों में से हमें और कुछ बंदे ढूंढने हैं जो कि हमें फोटोज और अच्छी खींच के दे सके, यानी कि हमारे जो दो बंदे काम पे हमने लगाए उन पे ही सिर्फ हम अभी डिपेंड नहीं रहेंगे, हम थर्ड पार्टी से भी फोटोज खरीद लेंगे। अगर कोई फोटोग्राफर ऐसे है जो कि अच्छे फोटोज खींचते हैं लेकिन उनको काम कम मिलता है, या फिर उनके पास अच्छा कैमरा नहीं है तो आप आपका कैमरा देके, या फिर उनके पास कैमरा है तो वो अच्छे फोटो खींचते हैं लेकिन काम उनको कम मिलता है, तो आप उन्हें पैसे देके ज्यादा से ज्यादा फोटो आप खरीद सकते हैं और उन्हें खरीद के आप अपलोड कर सकते हैं इन साइट्स पर। तो मान लेते हैं आपने पहले दो बंदे रखे हुए थे और अभी आपको क्या करना है, दो बंदे और रखना है और फोटो निकालने के लिए, और फिर आपका जो एडिटर है वो 15 से 20 हज़ार रुपये वो लेगा, ऐसे इस तरीके से आपकी 50 या 60 हज़ार की जो रिवेन्यू है वो जाएंगी सिर्फ एम्प्लॉय को, और आपके पास 30 या 40 हज़ार बचेंगे। तो आपको इससे फायदा क्या होगा, आपके जो दो या तीन फोटोग्राफर्स हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा फोटोज देंगे, आप उन्हें टारगेट दे दीजिए डायरेक्ट, तो उस हिसाब से वो फोटो खींचेंगे, और उन्हें हमेशा पर फोटो से ही आप पे कीजिए, तो वो अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा फोटोज खींचेंगे। आप उनकी फोटोज रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो अच्छी फोटो नहीं निकालते तो आप उनकी फोटोज को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो उनकी इनकम कम होंगी ज्यादा होंगी उनके फोटोज पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आप ये जो एड ऑफ है वो करते रहिए, जैसे ये फोटोज आप लेंगे इन तीन फोटोग्राफर से तो आपकी फोटोज और ज्यादा होंगी, आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होगा, आपकी इनकम और बढ़ेगी। तो जैसे ही आपकी इनकम और बढ़ेगी आप एक एक करके और बंदों को हायर करते जाइए और फोटोज अपलोड करते जाइए। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि उन वेबसाइट्स पर सबसे आपकी फोटोज है वो ज्यादा होंगी, ऐसे करते करते आप दिन की 2000 या 5000 फोटोज भी अपलोड करने लायक हो जाएंगे। इतना बड़ा आपको सेटअप बनाना है कि आप एक दिन में 2000 या 3000 आपकी अप्रूव्ड फोटो होनी चाहिए, तो इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो वो काफी स्ट्रांग होता जाएगा और आपकी उसी हिसाब से इनकम भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपकी इनकम बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपको सही समय लगता है कि अब हमारी इनकम 5 लाख या 10 लाख तक पहुंच चुकी है, या फिर 3 3 लाख के ऊपर भी पहुंच चुकी है, तो अब हम हमारी खुद की साइट लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपने खुद की वेबसाइट बना ली, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि जिसकी कोडिंग जो है वो सब उसके जो राइट्स है वो आपके पास होने चाहिए, आप डेवलपर से ऐसा कॉन्टेक्ट कीजिए कि जो भी कोडिंग रहेंगी जब भी मुझे सोर्स कोड लगेगा वो आपको मुझे सौंपना है, इस तरीके से आप एग्रीमेंट कर लीजिए। इस बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में, वो डेवलपर वेबसाइट बना लेते हैं, सारे कोड्स उनके पास होते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम होता है हमको आपको उन्हीं के पास रोना पड़ता है, और बाद में वो कोड देने से भी मना कर देते हैं अगर हम किसी दूसरे डेवलपर को हायर करना चाहें। तो बेहतर होगा कि आप खुद का एक दो डेवलपर हायर कर लो और फिर वेबसाइट बनाओ, इन हाउस बनाओ, तो ताकि वो सब कंट्रोल आपके हाथ में रहे और आप उस वेबसाइट पे आपकी जो इमेजेस है उसे अपलोड करते जाओ, और फिर उसकी थोड़ी थोड़ी आपको ऐड करना पड़ेंगे। आप उस पर कुछ इमेजेस फ्री दे सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं प्रीमियम में, कुछ इमेजेस फ्री में देके आप उन पे ऐड चला के भी रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस वेबसाइट को अभी एडवर्टाइज करते रहिए, उस पे भी सेम आपकी जो इमेजेस है वो सारी इमेजेस आप इस पर भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि आपने जो बाकी सारी वेबसाइट्स है उनको किसी को भी 100% राइट्स नहीं दिए हुए हैं, तो वही इमेजेस आप आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब तक 5 6 लाख 10 लाख इमेजेस हो चुकी होंगी, जो कि हम हमारी साइट पर अपलोड कर देंगे और हमारी साइट की एड चालू करेंगे। और इसी तरीके से हम अभी वही जो सिस्टम हम करते आए हैं उसी तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वहां पर हम बाकी कंट्रीब्यूटर्स को अलाउ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली एक बिजनेस मॉडल कर सकते हैं कि हमारे ऑफिस पे आओ आपकी इमेजेस लेके, हम उसका रेट फिक्स करेंगे, अगर आपको ठीक लगता है तो आप हमें आप पैसे लीजिए और इमेजेस दे दीजिए। तो इस तरीके से आप दो तीन मॉडल में चल सकते हैं, या फिर कंट्रीब्यूटर के लिए डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी आके फोटोज अपलोड करे और आप उसे अप्रूव करो, और जब इमेज सेल होंगी तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप मिलियनेयर बन सकते हैं। ये सब गेम प्रोबेबिलिटी का है, आप कितने अच्छे तरीके से इस सब प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान तो काफी पड़े हुए हैं, काफी कोर्स में गूगल पर काफी प्लान पड़े हुए हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपको फॉलो करना है, और हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ से मिलीनियर बन जाओ। हो सकता है आपको इसमें काफी मुश्किलें आए, जो कि सभी एंटरप्रेनर्स को और जो मिलीनियर बनते हैं करोड़पति बनते हैं उनको आती है, तो उनका सामना आपको करना है। इस कोर्स में मैंने जो बताया हुआ है इसमें मैंने काफी रिसर्च की हुई है,
तो इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है बड़ी छोटी तो आप कुछ सेविंग्स हमेशा रखिए, आपके पैसे जोड़ के रखिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सके, क्योंकि कई बार होता है वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वेबसाइट में परेशानी आती है, वेबसाइट को एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो इसमें पैसे आपको लगेंगे। तो जब आप सोचेंगे कि हमें वेबसाइट लॉन्च करनी है, उससे कुछ महीने पहले आप थोड़ी सेविंग जरूर रखिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 10 महीने या 12 महीने या किसी किसी को 2 साल भी लग जाएंगे वेबसाइट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ आपकी महीने की इनकम जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप वेबसाइट के बारे में सोचिए, और आपका एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जहाँ से आप वेबसाइट को आपकी मैनेज कर सके, तो भी आप इस बारे में सोचिए। तो आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल लग सकता है मिनिमम, आप अगर पूरे 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं तो इसको 1 साल लगेगा, और आप कम करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप यहाँ तक काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आप 2 लाख 3 लाख महीने कमा लेते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप ये कर रहे हैं, ये बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो भी पूछिए। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। दोस्तों ऐसी ही फ्री की इन्फॉर्मेशन का कुछ लोग वीडियो बना के अलग अलग वेबसाइट पर बेच रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि कोर्स स्कैम चल रहा है हमारे इंडिया में, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ वीडियोस में कहा था, तो इससे बचिए। और ये जो फ्री वाला कोर्स है ये लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसके आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो इसे जिसको जरूरत है, जिसको फोटोग्राफी पसंद है, उस तक जरूर पहुंचाइए। तो ये एक तरीके से सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, हाउ टू गेट रिच, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन से हम कैसे अमीर बन सकते हैं, इस बारे में मैं आपको पूरे कोर्सेस फ्री में देने वाला हूँ। तो ये एक तरीके से मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, जहाँ पे हाउ टू गेट रिच के जो अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि फोटोग्राफी से, वीडियो से, यूट्यूब से, अलग अलग चीजों से हम कैसे अमीर बन सकते हैं, इस बारे में ये सीरीज होंगी। तो अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो और आपको ये आइडिया पसंद नहीं आता, तो आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू।